अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे हो, मेरे अज़ीज़ बहनों भाइयों, वेलकम करता हूँ आज की न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एक बेहद ही ज़बरदस्त ऐप के बारे में बताने लगा हूँ, जिसके ज़रिए आप बहुत आसानी के साथ बहुत प्यारे लोगो बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लोगो बना सकते हैं, प्रोफेशनल लोगो बना सकते हैं। तो बगैर टाइम इसकी वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मेरी दरख्वास्त है, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे प्रेस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी जो भी न्यू अपडेट है वो आपको मिल सके। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जी गाइस, जो आज की वीडियो है उसमें आपने मैं ऐप जो डाउनलोड करनी है उसका नाम है लोगो मेकर, और ये वाली वो मेरी ऐप है, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाली ऐप है। आपने जस्ट क्या करना है, आपने प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में जाके आपने वहाँ पे सर्च करना है लोगो मेकर, ठीक है। जब आप वहाँ पे सर्च करेंगे लोगो मेकर, ठीक है, तो आपके सामने ये बहुत सारी ऐप्स आ जाएंगी। उसके बाद आपने ये वाली ऐप जो है ये आपने जो डाउनलोड करनी है, ये वाली, ये इसको प्रेस करूँगा मैं, तो ये वाली ऐप जिसके ऊपर LM लिखा हुआ है ये आपने डाउनलोड करनी है। मैंने ये डाउनलोड कर रखी है तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ जी। तो मैं ओपन करूँगा तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद ये इसका सिंपल सा इंटरफेस है, यहाँ पे क्रिएट टेम्पलेट ड्राफ्ट वगैरह, यहाँ पे आपने क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपके पास बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। सबसे ऊपर आप देखें तो यहाँ पे कैटेगरीज हैं बिजनेस, वाटर आइकन, आर्किटेक्चर, लॉ एंड अटॉर्नी, ब्लैक एंड वाइट, एजुकेशन, हेल्थ, फूड एंड ड्रिंक, बर्थडे, कार्स, आइकॉनिक, लाइफस्टाइल, आर्किटेक्ट, ये वाली, ये सारी आपके सामने ऑप्शंस आ रही हैं। ये देखें, हार्ट्स, बॉर्डर, बार्बर, मेकअप, अल्फा न्यूमेरिक, एब्स्ट्रैक्ट, क्रिएटिव, म्यूजिक, स्पोर्ट, यानी कि जिस हिस्ट्री के, जिसके मुतालिक भी आप लोगो बनाना चाह रहे हैं, जिस कैटेगरी के मुतालिक ही आप उसी तरह का लोगो यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली आता हूँ, एक मैं मेरा जो है वो फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे आर्किटेक्चर हूँ तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे आर्किटेक्चर के लिए आपसे बहुत सारे आपको बने बनाए लोगो मिल जाएंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ से सिंपली कोई भी एक लोगो सेलेक्ट कर लेना है जो आपको पसंद आता है। तो मैं यहाँ से ये वाला लोगो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ये मेरा लोगो आ गया। उसके बाद यहाँ पे आपका आ रहा है कंपनी नेम, यहाँ पे आप कंपनी नेम पे आएंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मास्टर, ठीक है, उसके आगे लिख देता हूँ डिवेलपर, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है जी, ओके कर दिया मैंने, इसको स्पेस दी और यहाँ से मैंने डन कर दिया। अभी ये मेरा लोगो है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ही रखता हूँ या मास्टर डेवलपर में आता हूँ। ये आपके नीचे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, यहाँ पे मैं कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ से मैं जो है इसको मतलब अपना ये जो है मास्टर डेवलपर लिख लिया। अब मैं यहाँ से इसका कोई कलर भी चेंज कर सकता हूँ, कोई भी कलर मैं यहाँ से मास्टर डेवलपर का रख सकता हूँ, क्योंकि मेरा ये ब्लैक एंड वाइट थीम है तो मैं यहाँ से ब्लैक एंड वाइट ही इसको रखूँगा। तो मैं यहाँ से इसका थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ लोगो को, इसको नीचे ले आता हूँ ऐसे, ठीक है। तो ये मेरा एक बन गया लोगो मास्टर डेवलपर के नाम से, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसके नीचे एक टैग लाइन लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से पहले इसको ऐसे सेट कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे टैग लाइन लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑल अबाउट प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको ओके करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ से इसको यहाँ पर ऊपर ले आता हूँ, ठीक है, और यहाँ से इसका मैं साइज़ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, और इसका जो मैं फॉन्ट है यहाँ से मैं कोई और सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो उसका फ़ॉन्ट मैं सेलेक्ट करता हूँ ये वाला, ठीक है, या मैं इसका फ़ॉन्ट ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँगा, फ़ॉन्ट मैं इसका यही वाला रहने दूँगा, ठीक है, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, तो ये मैं इसको नीचे लिखाता हूँ। अब ये जो ऊपर वाला मेरा फ़ॉन्ट है ये वाला मास्टर डेवलपर का, इसके नीचे मैं ऐसे अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको फिर से नीचे ले आता हूँ। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, ये देखें एक प्रोफेशनल लोगो मैंने आपको बना के दिखा दिया। अब मैं यहाँ से इसको सेव करूँगा, सेव मैं ऐसे कर दूँगा और इसका थोड़ा सा एरिया सेलेक्ट करके और मैं ऐसे यहाँ से सेव कर दूँगा। तो ये मेरा लोगो बन गया है, ठीक है, ये मेरा लोगो डायरेक्ट गैलरी में आ गया है, और ये मेरा लोगो जो है ये एक प्रोफेशनल लोगो है, ये PNG फॉर्मेट में है। तो इसी तरह आप यहाँ से बहुत सारे लोगो बना सकते हैं। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने ख्याल का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी किया करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।